वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स, आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा PDF तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स का यानी हिंदी 100 मार्क्स का टॉप 35 प्रश्न। ठीक है, टॉप 35 प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप सभी जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन से पक्का पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को। तो हम लोग चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो प्रश्न है पहला, ओ सदा निरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। ओके, तो पहला का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोलते छंद से। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृष्ण का विलोम है, तो कृष्ण का जो विलोम है फ्रेंड्स वो क्या होगा। तो दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्ल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तुति का विलोम है, तो 3 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, निंदा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर प्रश्न क्या है, अर्थात के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। ओके, तो 4 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा फ्रेंड्स, वो आपको बताने हैं। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर है 4 का वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मलयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वह है, ऑप्शन ए है बड़ा, ऑप्शन बी है अग्रज, ऑप्शन सी है पूर्वज और ऑप्शन नंबर डी है अनुज। ठीक है, तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्रज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द है। ठीक है, जिसके बिना काम ना चल सके उसके लिए एक शब्द है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन। ओके, तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, अपरिहार्य। ठीक है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है, तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो बी है फ्रेंड्स वो है सयोपुर। ठीक है, मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है, तो सयोपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा, तो झंझट शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा। तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बवाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा, तो 9 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, आसानी। ओके, अगला प्रश्न है, पंचायती राज में क्या खो गया है, तो 10 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, पंच परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगाय शब्द कौन समास है, तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रश्न क्या है 12 नंबर, तो प्रश्न है नवयुवक शब्द कौन सा समास है। ठीक है, नवयुवक जो है शब्द ये कौन सा समास है, तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार हैं। ओके, तो 13 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, गॉड डी मोपासा। ओके, अगला प्रश्न है, सेना शब्द है, तो सेना शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं, तो 14 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर के, स्त्रीलिंग है। ठीक है, सेना शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है कविति, ऑप्शन बी है फ्रेंड्स कवि इति, ऑप्शन सी है कव इत्री और ऑप्शन नंबर डी है कव इति। ओके, तो 15 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, कव इत्री इसका सही आंसर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी लॉपेज।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में शुद्ध शब्द है। तो यहाँ में, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो कौन है। तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशंसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत शब्द है, तो क्या है सत शब्द, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्सम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का क्या नाम है। तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओके। ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो इवान टमीज चित्र चेखकोव, ओके, इसका सही आंसर है 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 है, द का उच्चारण स्थान क्या है। तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दंत, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे वाक्य है। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे वाक्य है। तो कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी है, ठीक है। अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे वाक्य है, तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य है, ओके। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, ओके। तो 23 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। अब चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रश्न क्या है 24 नंबर, निम्न में सार्वनामिक विशेषण है। तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐसा आदमी नहीं देखा, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, प्रेम शब्द का विशेषण है। तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं, तो प्रश्न क्या है 26 नंबर, तो प्रश्न है फ्रेंड्स, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम पढ़ती लिखती नहीं, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, तो 26 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, लेखक ने, ओके। अगला प्रश्न है, नक लची शब्द में प्रत्यय है। तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाचा ने, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ची, ठीक है। नक लची शब्द में जो प्रत्यय है वो कौन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ओके। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28 है, महिमा शब्द में प्रत्यय है। तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इमा, ओके। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29 है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, ठीक है। तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर के, सुखदेव को, ओके। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रश्न क्या है 30 नंबर, रात शब्द है। तो रात शब्द क्या है, तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्भव, ओके। क्वेश्चन नंबर 31 है, शक शब्द है। तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरे यामन ताल का जल कैसा है। तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निम्न मध्यम वर्ग की, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, जैसी का जन्म स्थान है। तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जायस कब्र अमेठी, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 है, आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कठिन परिश्रम करना, ठीक है। आकाश पताल एक करना मुहावरे का जो अर्थ है फ्रेंड्स वो क्या है, तो कठिन परिश्रम करना, ठीक है। इसका ये जो है इसका मुहावरे का अर्थ है, ओके। और ये जो 36 नंबर प्रश्न है ये हम लोग पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तो मैं जो पार्ट टू वीडियो है वो बहुत जल्दी ले आऊँगा, ठीक है। तो वो आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।